चोटी काटने वाली चुड़ैल सबसे पहले अपना शिकार राजस्थान में करना शुरू किया। अब धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता जा रहा है। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल का आतंक राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी फैल चुका है। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल का शिकार इन प्रांतों की कई महिलाएं भी हो चुकी हैं। हालांकि यह काम चुड़ैल कर रही है या कोई शरारती तत्व, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुपके से आकर चुड़ैल काट लेती है चोटी। अभी तक किसी को इस मामले में पकड़ा नहीं गया है। जो लोग भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं उनके अनुसार यह काम चुड़ैल का है। जब महिलाएं सो रही होती हैं तो चुड़ैल चुपके से आकर उनकी चोटी काटकर वहीं छोड़कर भाग जाती है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह काम गिरोह बनाकर कुछ लोग कर रहे हैं। चाहे जो भी, इन सभी घटनाओं की वजह से प्रदेश में आतंक का माहौल बना हुआ है। अनजानी शक्ति ने काटी उसकी दाढ़ी। पहले तो चोटी काटने वालों की शिकार केवल महिलाएं ही होती थी, अब पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें चोटी काटने वालों का शिकार एक युवक हुआ है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है। यहाँ के रहने वाले एक सिख युवक का दावा है कि किसी अनजानी शक्ति ने उसकी दाढ़ी काट दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपुर के मिला कोतवाली के अंतर्गत आने वाले चिचौली गाँव का है। यहाँ के रहने वाले एक युवक की दाढ़ी कट गयी। पीड़ित युवक जोगिंदर सिंह का के अनुसार शनिवार को अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आया और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसकी कटी हुई दाढ़ी उसके हाथ में थी। जोगिंदर सिंह ने बताया कि उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। जैसे ही उसकी दाढ़ी कटी उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। हालांकि पुलिस इस घटना को संदिग्ध मान रही है। एसपी विपिन टाडा के अनुसार इस मामले की पुलिस गहराई से जांच कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि लोग इस तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।